नाश करिए। अब तुम्हारी सोच में बुरा मान जाओगे शुरू का तो भी हर मुसलमानों की सोच में। आप ये बताइए कि मैं इतने दिन एम एल ए रहा हूँ, एक बता दो एक तिनका किसी का हिला एक तिनका। आपने तो भाई साहब बहुत कुछ हुआ है। कहा मुझे एल जी के ऑर्डर दिखाओ किसी भी मस्जिद को तोड़ने के लिए। मस्जिद में देखो कितने आदमी बैठे। किसी भी मस्जिद को तोड़ने के लिए, मस्जिद को मंदिर को तोड़ने के लिए, गुरुद्वारे को तोड़ने के लिए, गिरजाघर को तोड़ने के लिए रीजनल कमेटी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर की, उसके ऑर्डर होने चाहिए। नमस्कार, मैं प्रिया त्वेरी आपका स्वागत करती हूँ जनोदय में। आज हम खड़े मंगलपुरी के वाई ब्लॉक में पार्किंग में। आइए बात करते हैं पूर्व विधायक जय किशन जी से, किस समस्या के कारण से ये लोग आज इकट्ठा हुए हैं। सर आज किस क्या समस्या है जो आप एक साथ इकट्ठे हुए हैं सब लोग? मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पर कि हमारे बसाए हुए लोग हैं, ये आर्थिक स्थिति से कमज़ोर लोग हैं, यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। जो समस्याएं, पार्किंग की बड़ी सख्त ज़रूरत है क्योंकि 18 गज का प्लाट है और छोटी छोटी गाड़ियां इन लोगों के पास है, पुरानी दुरानी गाड़ियां लेकर के गुजर बसर करते हैं। छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, बहुत सारे प्राइवेट कर्मचारी हैं कि जिनको तो पार्किंग की समस्या है। लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार एक एसोसिएशन एनजीओ बना करके कुछ सामाजिक लोगों ने, बस्ती के लोगों ने मिलकर के ये पार्किंग, मेरे टाइम पर जब मैं असेंबली का मेंबर था, कांग्रेस का शासन था, तो इसको हमने आँख मीच करके इन लोगों को स्वीकृति दे दी थी कि आपकी ज़रूरत, आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करो। आज दोनों सरकारों की नीयत ख़राब है, यहाँ के निगम पार्षद उनकी नीयत ख़राब है, यहाँ के विधायक उनकी नीयत ख़राब है, यहाँ के सांसद साहब जालंधर रहते हैं। हमारे सांसद थे सज्जन कुमार जी जो यहाँ रहते थे, चौधरी भरत सिंह थे यहाँ रहते थे। आज का मुद्दा था पार्किंग को बचवाना, वो मैंने आज जाकर के भिड़ंत करके कांग्रेस के बड़े सीरियस नेताओं के साथ मिलकर के इस पार्किंग को और वाई ब्लॉक की मस्जिद को जो डेमोलिशन करने की आज साजिश थी, आज कांग्रेस के सब लोगों ने आपके सहयोग से मिलकर के उसको रोक दिया है और उसको पूरे तरीके से खतरा पूरे तरीके से टला नहीं है। क्योंकि मैं अपने लोगों को झूठ बोल करके सियासत नहीं कर सकता, मैं छल कपट की सियासत करने नहीं आया हूँ, ना कांग्रेस का इतिहास है। हम तो ईमानदारी के साथ लोगों से जुड़े हैं। अभी पार्किंग का मामला भी टेम्परेरी रुकिया है, मस्जिद का मामला भी टेम्परेरी रुकिया है, लेकिन कब तक के लिए रुका है ये? अभी मैं अपनी ऐसी सियासती पत्तों को नहीं खोलूँगा, क्योंकि जब मेहमान रोटी खाता तो कुत्ता पूछ लाता है, और तो जो इसके हक में तोड़ने वाले लोग हैं, जो तोड़वाने वाले लोग हैं, उनके मसूबों पर पानी फेरने के लिए कांग्रेस की अपनी प्लान बनेगी और हम इन लोगों के साथ मिलकर चाहे न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, लेकिन पीक एंड चूस नहीं होने देंगे। और मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जब तोड़ा जाएगा, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑर्डर होंगे और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑर्डर करेंगे, तो हम उनके निवास स्थान के बाहर जाकर के धरना देकर बैठेंगे कि एक विशेष जाति विशेष धर्म को टारगेट बनाया जाएगा, तो कांग्रेस ना बनने देगी, ना बनने दिया है और ना आगे ऐसा होने देंगे। Please like, subscribe our channel Jan Uday and hit the bell icon.